वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो भाई हमने एक पीसी बिल्ड करवाया, तो यहाँ उसके कुछ पार्ट्स हैं जिसकी मैं डिटेल में बताऊंगा जो पार्ट्स उसमें यूज हुए। तो पहला जो सबसे मेन पार्ट आता है भाई, ये है मदरबोर्ड एसएस का प्राइम Z690P जो कि वाईफाई के साथ आता है, वाईफाई 6 और 3 साल की वारंटी के साथ। तो ये सबसे मेन पार्ट है भाई जो पीसी को रन करता है। तो इसकी प्राइसिंग है, ये है 34,000 कुछ का पड़ा है भाई। ये जो सबसे मेन है X4, ये है ग्राफिक कार्ड GeForce RTX 3070 Ti, और ये सबसे महंगा है इसका। इसकी प्राइसिंग इधर है, ये पड़ा भाई 1,20,000। और इसमें लाइट वगैरह, एरी RGB लाइटिंग, लो नॉइस, OC ओवर क्लॉक और 4K रेजोल्यूशन और 8GB ग्राफिक कार्ड के साथ आता है। ये चार छोटे छोटे जो पैकेट हैं, ये छोटे नहीं है, इनकी बहुत बड़ा साइज़ है। तो ये 16GB की एक रैम का पैकेट है, तो 16 16 16 अलग अलग हो गए। तो ये एक की प्राइस है इसमें 11,000। तो भाई देख लो, 11,000 महंगी है। और ये लगती है इसमें मदरबोर्ड में जो रन करती है पीसी को, तो ये सबसे पावरफुल बनाती है पीसी को। चार छोटे छोटे बॉक्स। इसके बाद है ये एक ब्लू कलर का i7 इंटेल कोर प्रोसेसर के लिए, ये है सैमसंग की 1TB स्टोरेज। तो इसकी प्राइस पड़ती है 16,000 के करीब। SSD 980, ये भी इसी में लगती है। फिर उसके बाद में सबसे बढ़िया चीज़ आती है भाई ये, तो फोटो में भी आप देख सकते हो, ये है हाई परफॉर्मेंस 240mm लिक्विड CPU, लिक्विड वाला लाइटिंग के साथ, एंटी लीक टेक इनसाइड भाई, PM750D ATX की पावर सप्लाई जो इसको सारी पावर सप्लाई करता है। ये है बॉक्स, है कीबोर्ड और माउस का, इसमें भी लाइट है। और ये है ES स्पोर्ट KM540 जो कि इसमें सबसे सस्ता है। लास्ट में ये बॉक्स है लियानली कंपनी का लैनकूल 215। तो इसमें ये सारे जो भी हैं इसमें फिट होंगे। ये बक्सा है पूरा इसका जो आता है कवर, कुछ ऐसा दिखता है। ये CPU, ये इसमें ग्राफिक कार्ड, और ये इसका कूलिंग फैन है, इसमें भी कूलिंग फैन नीचे है और इधर की साइड में, सब लाइट के साथ आता है। ये मदरबोर्ड लग रहा है इसमें, छोटा सा है। ये है कूलर, ये जो वायर जा रही है ऊपर जाके, ये है कूलर जो इसकी हवा बाहर निकलती है, ठंडा करता है इसको। और ये जो छोटे छोटे चार हैं, ये रैम है इसके, जो येल्लो बॉक्स थे छोटे छोटे। ये है इसकी स्क्रीन डिस्प्ले, तो इसके साइज है 27 इंच और 165 हर्ट्ज़।